तो तुमने अब तक एनिमेस तो काफी सारे देखे होंगे, पर मैं आज जिस एनिमे की बात करने जा रहा हूँ वो तुमने शायद ही पहले देखा होगा। तो मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ वो है समर टाइम रेंडरिंग, और मेरे लिए वो एनिमे काफी बढ़िया रहा। मतलब कि ये एनिमे इतना कमाल का है कि अगर तुम इसे एक बार देखना शुरू करोगे तो तुम देखते ही जाओगे एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम लास्ट एपिसोड पे पहुंच भी गए। वेल, तो ऐसा इस एनिमे में खास क्या है कि मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ? तो वो चीज जो इस एनिमे को कमाल का बनाता है वो है इसकी शानदार स्टोरी लाइन, जो की ऑथर यासुकी तानाका ने लिखी है, और इसकी पूरी मांगा में 139 चैप्टर्स है एंड एनिमे ने 25 एपिसोड के साथ मांगा के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। हाँ, जिसका मतलब है स्टोरी का कंक्लूजन हो चुका है और इसका कोई सेकंड सीजन नहीं होने वाला है, जिसका मतलब कि तुम्हें सालों तक इसके दूसरे सीजन का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। समर टाइम रेंडरिंग में तुम्हें थ्रिलर, टाइम लूप एंड मिस्ट्री जैसे अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी। और अगर बात करें इसके एनिमेशन की तो उसे एनिमेट किया है OLM स्टूडियो ने, जिसने कॉमिसान कान कम्युनिकेट, द प्रोटेगेटिक डायरीज, डोंट टॉय विद मी मिस नागातोरो, डार्क गैदरिंग, पोकेमॉन, बेब्लेड बस्ट एंड योकाई वर्ड जैसी अमेजिंग सीरीज को एनिमेट किया है। इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि एनिमेशन कितनी कमाल की हो सकती है, और इन्होंने एनिमेशन की क्वालिटी काफी अच्छे से मेंटेन रखी एंड इसके सारे ही फाइट सीन्स को काफी अच्छे से एनिमेट किया गया है, और उनका कैरेक्टर डिजाइन भी दूसरे एनिमेस की तरह अलग है। ओवरऑल मुझे एनिमेशन में कोई कमी नजर नहीं है। It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी प्लॉट के बारे में, जो कि इसे और भी बेहतर बनाता है। स्टोरी का मेन हीरो सिनपे टोक्यो से अपने होम टाउन तोगासिमा वापस आता है, ये सुनने पर कि योशियो की डेथ हो चुकी है, जो कि स्टोरी की मेन गर्ल और सिनपे की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। सिनपे वहाँ योशियो की छोटी बहन और उसके डैड से मिलता है, और उसके बाद फ्यूनरल भी काफी शांति से जाता है एंड यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेना शुरू होती है। सिनपे को पता चलता है कि योशियो की डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई बल्कि उसे मारा गया था। उसके बाद वो ये पता करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कौन था एंड ये पता करते समय सिर्फ एपिसोड 2 में ही सिनपे भी मारा जाता है। फिर यहाँ से हमें पता चलता है सिनपे के पास टाइम लूप या डेथ लूप जो भी उसके पास ये पावर है। एंड अगर तुमने रीजीरो एनिमे देखा है तो तुम्हें इस एबिलिटी के बारे में पता ही होगा, बट अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एबिलिटी की मदद से कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे वापस जिंदा हो सकता है। एक तरह से तुम बोल सकते हो ये पावर इमोर्टल भी बनाती है, बट हमारे मैक के केस में इस एबिलिटी की एक वीकनेस भी है, जिसमें सिनपे जितनी भी बार मर के वापस जिंदा होता है वो पिछले टाइम और प्लेस से थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है, जो कि धीरे धीरे इस एबिलिटी को एक नंबर की लिमिट में सेट कर देता है। पहले अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया तो जब तुम एनिमे देखोगे तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अबे तू थोड़ा सा बहन। उसके बाद सिनपे को ये भी पता चलता है कि डोपलगैंगर, जिसे तुम शैडोस भी बोल सकते हो, जो वहाँ रहने वाले लोगों को मार के उनकी जगह ले रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारे मैक को दो चीजें करनी थी, पहला वहाँ के सभी लोगों को बचाना और दूसरा सारे शैडोस को हराना, जिसमें उसकी सबसे पहले मदद करती है हिजुरु मिनाकाता। एंड एचकप से मुझे याद है इसमें तुम्हें काफी अच्छी फैन सर्विस भी मिलेगी, जो कि तुम सबसे ज्यादा देखना चाहते हो। और हिजुरु भी वहाँ पर यूसुओ का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आई होती है, पर उसे पता होता है वहाँ पर शैडोस है जो कि लोगों को मार रहे हैं। एंड बता दूं कि तुम्हें ये सब कुछ पहले दो एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। एंड उसके अगले कुछ एपिसोड में योशियो, जो लड़की मर चुकी थी एनिमे के स्टार्ट होने से पहले ही, वो भी वापस आ जाती है। तो तुम सोचोगे कि चल क्या रहा है, मैं कहूंगा कि तुम ज्यादा समझो मत, बस सुन लो। वैसे भी एनिमे देखने के बाद तो तुम्हें अपने आप पता चल ही जाएगा, लेकिन वो असली वाली योशियो नहीं होती है, वो उसकी एक डोपलगैंगर शैडो होती है, और वो बाकी के उन शैडो से अलग होती है जो कि आइलैंड पर रहने वाले लोगों को मार रहे थे। एंड यहाँ से हर एपिसोड में एक्शन और सस्पेंस और भी बढ़ता जाएगा, इससे तुम खुद को रोक नहीं पाओगे इस एनिमे को पूरा देखने तक। और इसमें ज्यादातर जो बैडएस और फाइट सीन्स है वो मैक ने नहीं किया, वो किया है हिजुरु और योशियो की शैडो ने। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिनपे ने कुछ भी नहीं किया है, उसने अपनी एबिलिटी की मदद से और दिमाग से दुश्मनों को संभाला है। तो इतना सब जानने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल तो जरूर से आया होगा कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो ये दूसरे एनिमे जैसे कि डेमन स्लेयर और जुजुत्सु काइजन जितना पॉपुलर क्यों नहीं है। तो अगर मैं इसका थोड़ा तुम्हें डिटेल में जवाब दूं, एक एनिमे अंडररेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसे उतना अटेंशन नहीं मिल पाता जितना कि उसे ऑडियंस से मिलना चाहिए। समर टाइम रेंडरिंग स्प्रिंग 2022 में प्रीमियर हुआ था, और उस समय पहले ही दूसरे और पॉपुलर एनिमेस एयर हो रहे थे, जैसे कि स्पाई एक्स फैमिली, कागुया-सामा लव इज वॉर अल्ट्रा रोमांटिक, शिकामोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी, कॉमेसन कांट कम्युनिकेट एंड तोमादाची गेम। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये एनिमे ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, बट ये कोई मेन रीजन भी नहीं था, मुझे जो लगा मैंने तुम्हें वो बता दिया। और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि ये एनिमे कितना बढ़िया है, सो इसे एक बार जरूर से चेकआउट करना। तो हाँ, यहीं पे हमारा वीडियो पूरा होता है, और जाने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे हो रहा है रिलेटेड कंटेंट के लिए, एंड कमेंट में मुझे इस एनिमे को लेकर तुम्हारे थॉट्स भी बताना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए